हमारी स्मेल वाली टट्टी नहीं होती है, ठीक है। टट्टी कर लिया, हाथ धो लिया, नहा ले, तो आग बंद करो प्लीज, प्लीज आग बंद करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसे नहाता हुआ देखे। अब क्या चाहिए अपने को, पेपरोनी पिज्ज़ा बनाना है, तो पेपरोनी के लिए सबसे पहले एक स्पेशल सॉस मोज़रेला और ये पेपरोनी, ठीक है। ये पेपरोनी वाला पिज्ज़ा हो गया हमारा रेडी। एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक और नए गेम में जिसका नाम है डेनिजिन। ये हमारी रियल लाइफ जैसे सिमुलेटर गेम है, मतलब कि जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, हमारी जॉब या बिजनेस करने के लिए जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक हार कर जब हम घर वापस आते हैं तो हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, बट मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मतलब जैसे हम रियल लाइफ में सारी चीज़ें करते हैं, ये गेम भी पूरा वैसे ही है। हमें मतलब अपनी एक ज़िंदगी बनानी है, एक लाइफ सेट करनी है, हमारा करियर, पढ़ाई, मतलब सारी चीज़ें। अभी गेम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में तुम्हें बारी बारी सारी चीज़ें बता, तो तुम्हें देखने में ज़्यादा समझ में आएगा मेरे बोलने से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी कैरेक्टर ग्राफिक्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे, क्या हम महिला बने? ये महिला नहीं बनना भाई। और कौन से बन सकते हैं? अच्छा, हम बूढ़े भी बन सकते हैं, थोड़ी कम एज वाले। ये तो माल वाला लग रहा है भाई, मतलब नशे पानी वाला बंदा। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, जो पहला वाला था वही सही है। बाल के अंदर थोड़े से बड़े बाल, या फिर हाँ ये बाल अच्छे लग रहे हैं ना। और ये क्या चीज़ है? अच्छा, बालों का कलर तो थोड़े से ना ब्लॉन्ड टाइप कलर रखेंगे, ये थोड़े से पुराना टाइप हो गया ना। आई गेस ये वाला कलर सही रहेगा, या फिर एश ग्रे नहीं, छिचोरे लग रहे हैं इसके अंदर। बाकी ये हो गया, स्टार्ट करते हैं हम अपने गेम। अच्छा, नाम लिखना है यहाँ पर, नाम रखते हैं हम पांडू, ठीक है, पांडू नाम सही रहेगा। ओके, तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम एक अपार्टमेंट में है। हेलो पांडू, माय न्यू अपार्टमेंट, आई ऑलरेडी पिक्ड अप सम फर्नीचर व्हेन आई विजिटेड द ईस्ट साइड यस्टरडे बिफोर द रोड कंस्ट्रक्शन बिगेन। ओके, आई जस्ट नीड टू अनपैक एवरीथिंग सो आई हैव अ प्लेस टू स्लीप। आफ्टर दैट आई शुड पुल अप माई फोन To look for a job so I don't miss my next rent payment. अच्छा, क्या हमारे कुछ जगह वगह है क्या? लेफ्ट में अगर देखेंगे तो हमारे पास में सिर्फ $24 है अभी। यार ग्राफिक्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। मेरे को क्या है यहाँ पर, अभी पहले फर्नीचर सेट करना है। ग्राफिक्स देख रहे हो, सच में कितने ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। रुक जाओ, पहले ना विंडो के बाहर चेक कर दो, बहुत अच्छे ग्राफिक्स है। अभी मेरे को चेयर सेट करनी है ना, ये दो चेयर मेरे पास में, बेड भी है, पता नहीं हम सिगरेट भी पीते हैं और चॉकलेट भी खाते हैं, पेंट भी है, पता नहीं ये कोबरा लेके घूमते हैं क्या, गुटखा तो नहीं है, गुटखा भी तो नहीं खाते हम। इसे यूज़ करना है, चेयर को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक चेयर आ गई, ये दूसरी चेयर भी लगा देते हैं, इसको भी यहाँ प्लेस कर देते। अब मेरे को लगाना है यहाँ पर बेड, और इसके ये वार्डरोब के अंदर ना हम सारे ड्रेसेस रख सकते हैं। तो जैकेट पहन लूँ क्या? बट बाहर अगर गर्मी होगी तो सैंडो में बहुत, कितने ज़्यादा कमज़ोर है हमारे पास में, खाने के लिए कुछ है नहीं क्या? चड्डी तो कभी भी, चड्डी ना, याद रखो मैं तुम्हें टिप देता हूँ, चड्डी कभी भी सादी नहीं पहननी चाहिए, कभी भी ऐसे ना चड्डी ऐसे चीता प्रिंट वाली चटक भटक कलर वाली, कि ऐसे अंदर से रोशनी बाहर आए, ऐसे कलर वाली, ऐसे ब्राइट कलर की, मैं तो ऐसी पहनता हूँ। जीन्स में हम शॉर्ट्स, सबसे बेस्ट कपड़ा है शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर बड़ा मज़ा आता है। और यार ये तो बड़े फटे फटे लग रहे हैं ना, ये वाले सही लग रहे हैं शूज़, तो चलो ये कर देते। कैप के अंदर नो कैप, अभी मैंने लुक चेंज कर लिया वो अपना थोड़ा सा। इधर मैं ना बेड लगा देता हूँ, तो ये रहा बेड, इसको रोटेट करके। यार ये ऐसे सारे गेम्स क्यों नहीं आते टाइम पर, ऐसे सारे गेम्स में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। चलो ये बेड भी सेट कर लिया। हमारा अपार्टमेंट अभी शुरुआत से कितना ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा है। और क्या क्या है मेरे पास में? एक ये वाली चेयर है, ये वाली चेयर नहीं, अभी लैंप लगा दो, पहले लैंप को लगाएंगे ठीक हमारे इसके बाजू में। इधर से आई गेस लैंप काफ़ी रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे आ गया ये, थोड़ा सा ना ऐसे करके लगाता हूँ, ऐसे साइड से आके लगा रहा हूँ तो बराबर से लग रहा है। अब तुम्हें ना मैं लैंप स्टार्ट करके बताता हूँ, देख रहे हो पूरे रूम के अंदर उजाला हो गया। बट अभी बिजली के हमारे पास में पैसे नहीं है, पता नहीं लाइट बिल अगर ज़्यादा आ गया तो मेरी परेशानी हो जाएगी, इसीलिए लैंप बंद कर देता हूँ। अभी ये गेम सिर्फ डेमो वर्जन में, पता नहीं कितना खेल सकते हैं हम, अगर ज़्यादा खेल सकते हैं तो बहुत बढ़िया आ जाएगा, होप जल्दी से रिलीज़ हो जाए। फ्रिज के अंदर क्या क्या है? फ्रिज के अंदर अभी हमारे पास में सुशी पड़ी है, ये चेरी वाला कैन है, और ओरिएंटल चिकन है, और ये भी एक दारू लग रही है मेरे को, ये बियर का कैन लग रहा है।
बाकी ये पार्टी टाइम और ये सिगरेट, ये और भी बहुत सारी चीज़ें, इसको रहने देते हैं। ओवन, हर एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो ये वार्डरोब्स है, इसके अंदर भी हम सारा का सारा, मतलब कबर्ड्स है सॉरी, इसके अंदर सारी चीज़ें रख सकते हैं या बैठ के खाना खाएंगे। चलो और क्या चीज़ है पहले तो वो देखते हैं। ये हमारा वॉशरूम है। बच्चे लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद करो प्लीज़, आंखें बंद करो। थोड़ी सुस्सू भी कर ले, सुस्सू करने के लिए बैठा था ये तो, पूरा सोने की खदान वहीं पर छोड़ के आ गया। सिंक के अंदर हाथ, हाथ धोना ज़रूरी है भाई, ऐसे मत समझो तुम मुझे गंदा कि मैं मतलब टट्टी करके ऐसे ही निकल जाऊँगा। सबसे पहले मैंने नहाया, फिर पहले टॉयलेट जाना चाहिए था, उसके बाद नहा कर हाथ धोना चाहिए था, बट नहा लेंगे तो हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है ना। टॉयलेट से निकल कर हाथ धोकर फिर नहाना चाहिए। हाँ ये सही है, ये सही है, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है। हम मैं इतना कन्फ्यूज क्यों हो रहा हूँ। चलो अब चलते हैं बाहर, जाकर चेक करते हैं। वॉट, अच्छा हमारा सिर्फ ये एक अपार्टमेंट है। वैसे हम बहुत सही जगह पर रहते हैं ना अभी, है ना। ये लॉक है, इधर क्या है। मैं अपना फ़ोन में क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। यूज़ योर फ़ोन टू चेक योर एजेंडा, मैनेज योर फाइनेंस एंड परचेस और रेंट रेसिडेंस। ओ, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ जॉब, प्ले योर फेवरेट म्यूजिक एंड सेट एन अलार्म क्लॉक टू वेक अप इन द टाइम फॉर वर्क। ओके, अबे कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये है मेरा फ़ोन जहाँ पर हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अभी सुबह के 11:50 हो रहे हैं। मैसेज के अंदर क्या है, ऑस्टिन ने क्या कहा, आई हर्ड यू आर लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क, स्टॉप बाय माई प्लेस इन कटलर वैन यू हैव अ मिनट एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स। तू रुक जाए एक मिनट, मेरे को चेक करने दे। जेड क्या बोल रही है, लास्ट नाइट लॉल, इट टुक मी अ वाइल आफ्टर आई वोक अप दिस मॉर्निंग टू रिमेंबर प्रोबेबली हाफ ऑफ व्हाट हैपेंड, यू क्लीनड अप ऑन द ब्लैक जैक टेबल, समहाउ आई मेड इट ब्लैक होम टू माई बेड। ये किस बारे में बात कर रही है, मेरा समझ नहीं आ रहा। एनीवे, हाउज योर न्यू प्लेस, अरे बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरा तो दिल लग गया यहाँ पर। आई हैव टू कम विजिट यू वंस ऑल ऑफ दिस रोड कंस्ट्रक्शन इज डन, आई हैवंट बीन आउट टू द वेस्ट साइड एजेस। ओके, देखो जब आना है जेड तू आ सकती है, टेंशन मत ले। ये है रेंटल्स, यहाँ पर अपने को सारे अपार्टमेंट मिलेंगे और इसका रेंट कितना है, $75, 500 स्क्वायर फीट है ये, 850 स्क्वायर फीट है इसका, $150। फिर ये 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, $200 ये महीने के, $200 हाँ महीने का ही रेंट लेंगे, हफ्ते का कौन लेता है। और ये 1800 स्क्वायर फीट का है, ये $400। ठीक है ये तो हो गया, ये एजेंडा के अंदर अपने को सारी चीज़ें मिलेगी। बट मैं ना बारी बारी तुम्हें सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये गेम कितना ज़्यादा रियल लाइफ जैसे, मतलब रियल लाइफ में जैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं ना, वैसे इस गेम में भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। टोटल बैलेंस हमारे पास में $24 है, पर्सनल हमारा $4 है, सेविंग अकाउंट में $20 है, मतलब कैश मेरे पास में $4 रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में $20 है, बिजनेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं लगाया है। और ये नीचे ना रेंट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर बर्न एंड जेकब हार्डवेयर रिपोर्ट, यहाँ पर ये सारा नाइट क्लब में हमने कितना पैसा खर्चा किया, लॉन्ग शॉट कसिनो में कितना पैसा खर्चा किया, नहीं पैसा जीते कसिनो के अंदर, बट अभी हम कसिनो नहीं खेलने वाले, $20 में क्या कसिनो खेलूंगा मैं। और ये है रियल स्टेट, 5 Yankee Road, 700 स्क्वायर फीट का घर है $25,000 का, ये 57 South Street, 2200 स्क्वायर फीट का घर है $3,50,000, $3,85,000। और भी इधर नीचे ना अपार्टमेंट्स है बहुत सारे यार, मेरे को भी खुद नहीं पता था इतना ज़्यादा डिटेल्ड है ये गेम। ये रेंटल वाली जगह नहीं, ये रेंटल वाली जगह नहीं, देखिए कटलरी सिटी सेंटर। अच्छा ये शॉप्स वगैरह है जिसको हम रेंट पे ले सकते हैं, पहले छोटी वाली शॉप लेंगे फिर बड़ी वाली। ये 1000 स्क्वायर फीट की आ रही है $100 की, ये पर डे के हिसाब से तो नहीं, $100 महीने का बहुत कम नहीं हो जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट की ही दुकान है। बट वैसे चलो ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग शॉट कसिनो है, एडा वॉल्ट, वॉल्ट के अंदर क्या रख सकते, अच्छा नाइट क्लब है ये, और बॉन एंड जेकब, यहाँ से क्या मैं कपड़े वगैरह खरीद सकता हूँ। ओके, यहाँ से हम फरारी फिरुकी है ये, अच्छा कार वगैरह वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं, फर्नीचर हम यहाँ से, और इधर से क्या है, डोंट बी ए पेंसी बाय द न्यू लॉसन SR450, ये भी डीलर ही दिख रहा है मेरे को। कैसीनो नहीं खेल रहा मैं, कैसीनो वाले सेक्शन में भी नहीं जा रहे। ये क्या चीज़ है, स्लॉट, अरे बैट जीत गए थे भाई, हम बैट जीत गए थे, क्रेडिट में से तो कुछ नहीं गया ना भाई, फ्री के मिल रहे तो खेलो, क्रेडिट $25, अरे $1 जीत गए हम।
दे 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 एक और फूल दे दे बे, एक और फूल दे दे। क्रेडिट में $25 ही है। बैट थ्री क्या ये? बैट थ्री तीन, अच्छा $3 लगाए हमने बैट पे और हार गए। बैट वन ही करेंगे यार, मैंने पैसे हार गया हूँ। $3 कम हो गए मेरे पास, नहीं $1 बढ़ गया। थोड़ी सी बैट कर लेता ना, थोड़ी सी बस। मैंने कर रहा भाई, ये मेरे को डुबा देगा। मैं ये बैटिंग वैटिंग कर ही नहीं रहा। इधर क्लॉक के अंदर अलार्म वगैरह लगा सकते हैं। ये म्यूज़िक के अंदर म्यूज़िक कोई नहीं है मेरे पास में। अच्छा मैं अपने फ़ोन की भी म्यूज़िक सर्च कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने कंप्यूटर में म्यूज़िक बजाऊंगा वो यहाँ पर बजेगी। अगर तुम्हें म्यूज़िक सुनना है ना मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर है, ये बाकी फ़ोन की सेटिंग है और ये वेदर वगैरह वो सारी चीज़ें। मैं एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ। इधर क्या मैं ओपन नहीं कर सकता, इधर भी मैं ओपन नहीं, इधर भी ओपन नहीं। ये तो दूसरों के अपार्टमेंट है ना, हमारा ये वाला अपार्टमेंट है, हम सिर्फ इसे ही एक्सेस कर सकते फिलहाल के लिए। इसे कर देता हूँ लॉक। इसे लॉक करने के लिए मतलब क्या, बस ऐसे बंद कर दूंगा तो हो जाएगा? चलो ठीक है यार, मैंने खामखा $3 नुकसान में गया। ये लिफ्ट है, लिफ्ट ओके, लिफ्ट से भी जा सकते हैं बट ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस से चलते हैं, अभी लिफ्ट का काफ़ी इंतज़ार करते। प्लीज डेवलपर्स, प्लीज इस गेम का फुल वर्जन जल्द से जल्द रिलीज करो। मेरे को नहीं पता, कुछ भी करो बट जल्द से जल्द रिलीज करो। मेरे को खेलना है ये गेम भर भर के, 2-5-10 घंटे ऐसे खेलना है मेरे को। अब ये क्या है? रेसिडेंट यू कैन रेंट और बाय सेवरल रेसिडेंट थ्रू आउट द सिटी ईच विथ। अच्छा, हम मतलब जब अमीर हो जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं जिससे हम उसे रेंट पर देकर पैसे भी कमा सकते हैं। ग्राफिक्स सच में बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, बहुत ज़्यादा। ये मैं हूँ शॉर्ट्स के अंदर। क्या हम किसी से बात कर सकते हैं? हेलो, कहाँ जा रही हो? वो पीछे वाली तुम्हारी सिस्टर थी है? हेलो बात तो करो, हट टकले। पक यहाँ से, दोनों टकले भाई तीन टकले भाई। हमारे तो सर पे बाल है। अभी कहाँ जाना है अपने को? ये अपना अपार्टमेंट है, ठीक है। ये बिल्डिंग याद रखनी है, पार्क वेस्ट नाम है हमारी बिल्डिंग का। अब मेरे को यहाँ से जाना कहाँ है? सामने मेगा स्पॉन पता नहीं कुछ। अरे हाँ, फ़ोन के अंदर कुछ तो जॉब बता रही थी ना, मतलब ये जॉब के अंदर जाके ये पिज़्ज़ा कुक की जो जॉब है, $7 दे रहा है अपने को 1 घंटे के। और ये कुरियर ड्राइवर जो है $10 दे रहा है 1 घंटे के। फोक लिफ्ट ऑपरेटर दे रहा है $8। तो मैं काम करता हूँ कुरियर ये वाली का एप्लीकेशन अनअवेलेबल, फोकलिफ्ट वाली भी अनअवेलेबल, पिज़्ज़ा कुक की, यस पिज़्ज़ा कुक या पिज़्ज़ा सिटी मेक टेस्टी पिज़्ज़ा फ्रॉम स्क्रैच एवरी डे फॉर कस्टमर ऑल ओवर द सिटी। वी आर करंटली सर्चिंग फॉर द परफेक्ट पिज़्ज़ा कुक टू वर्क इन आर किचन। चलो ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ जॉब के लिए। अगर हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमें वो बुला लेंगे। कुछ मैसेज वगैरह अभी तक तो नहीं आया, तो मैं काम करता हूँ, मैं घूमता हूँ ना यहाँ से वहाँ। पिज़्ज़ा की दुकान है कहाँ पर वैसे? रिटेल स्टोर के अंदर क्या करते? यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन द सिटी बाय यूजिंग योर फोन टू रेंट और बाय अ स्टोर फ्रंट। वंस यू सिक्योर्ड अ लोकेशन, सिलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस यू वॉन्ट टू रन एंड स्टॉक अप ऑन इन्वेंट्री फ्रॉम अ लोकल होलसेलर। वेन यू आर रेडी टू सेट अप योर स्टोर, Use R to open the retail management interface to organize your inventory, set prices and manage your sale. With some effort and solid business plan, you can turn your storefront into a thriving business. चलो ठीक है अभी तो, बट मेरे पास में इसके तो पैसे ही नहीं है ना, ये तो मैं वो ही नहीं कर सकता। Use phone to rent property, मेरे को पता है। पिज़्ज़ा की दुकान दिख रही है सामने, चलते हैं। थोड़ा सा दौड़ नहीं सकता क्या मैं? हेलो कहाँ जा रही हो? इधर क्या पानी का प्रॉब्लम है? सारे टकले घूम रहे हैं इधर। क्या ये वाली शॉप है हमारे को? नहीं इधर नहीं जाना, ये शायद से बाजू में जाना है। इधर ऊपर ना मेरा एनर्जी लेवल, फूड का मीटर, ड्रिंक का मीटर और शावर, ये दोनों तीनों चीज़ें बता रही है। द स्टेशन, व्हाट इज दिस द स्टेशन? अच्छा यहाँ पर मैं चिल कर सकता हूँ। तेरा का ब्रेकअप हो गया तो ऐसे बैठा है? इधर बैठ के या फिर इधर बैठ के मैं दारू भी पी सकता हूँ। अंदर ब्लैक जैक खेल रहे हैं। ये ब्लैक जैक मेरे को बताना कैसा खेलते हैं, मेरे को नहीं पता। जैसे ही पता लग जाएगा ना, कार फॉर सेल सिमुलेटर के जैसा हम भी अंबानी हो जाएंगे। यार टॉयलेट भी जा सकते हैं भाई, जब आ ही गए तो।
जावा टट्टी करने बैठ जाता है, कभी कभी सुस्सू करके भी उठ जा है, जावा टट्टी करने बैठ जाता है, हाथ धो ले चुपचाप से। यार हाथ नहीं धोना चाहिए था सबसे, ऐसे ही हाथ मिलाता मैं, उनके हाथ भी गोल्डन कर देता। क्या हम लेडीज़ में जा सकते हैं? लेडीज़ में अभी कोई है नहीं, ये स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम के अंदर नहीं जा सकते। मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ATM यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं यार, ऐसे सिमुलेटर गेम होना चाहिए पूरे रियल लाइफ जैसे। मेरे को अभी तक वो अपनी जॉब, अरे कुछ तो आया, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी हैव रिव्यूड योर क्रेडेंशियल एंड इट लुक्स लाइक यू विल बी अ ग्रेट फिट फॉर द पोजिशन यू अप्लाइड फॉर, यू विल बी स्टार्टिंग ऑफ एज अ वर्कर एंड वी लुक फॉरवर्ड टू रिवॉर्डिंग यू विद पे राइजेस एंड प्रमोशन फॉर एग्जाम्पलरी वर्क, प्लीज सिलेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम द जॉब ऐप एंड फॉर वर्क टाइम। मैं पहले ये नाइट क्लब के बाहर निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बाहर जाकर एप्लीकेशन के अंदर से जॉब का टाइम देख लेते हैं। पिज़्ज़ा सिटी, अच्छा पिज़्ज़ा सिटी के सामने ही है, ये है मेरा फ़ोन, इसके अंदर से जो जॉब टाइम का स्लॉट था वो कहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ये रही जॉब, ये पिज़्ज़ा की जॉब, सुबह ग्यारह बजे से एजेंडा आइटम एडिट। भाई ये 11 बजे की शिफ्ट रहेगी, अभी कितने 17 हो रहे हैं ना, मैं जाकर सो जाऊंगा, अगले दिन मेरे को सुबह उठना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा जॉब पे आने के लिए। चलो एक बार अंदर पिज़्ज़ा सिटी के अंदर राउंड तो घूम के आते हैं। ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं, सच में ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ऐसे रिलैक्सिंग और ना अच्छे दिखने में ना ऐसा अच्छा लग रहा है, वरना कुछ कुछ ना गेम्स बढ़िया होते हैं बट ऐसे डल और ऐसे पैक ग्राफिक्स होते हैं ना कि मज़ा नहीं आता उसके अंदर। अंदर जाकर चेक तो करते हैं। यूज़ फ़ोन टू सिलेक्ट शिफ्ट, शिफ्ट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, आई गेस मेरे को सुबह आना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, हम रहते कहाँ पर है वैसे, ये 10 स्टेशन है, हम ये आगे के अपार्टमेंट में रहते ना, हाँ इधर जाते हम जाकर सो जाते, सुबह का हमारा जॉब का जो टाइमिंग है वो 11 बजे का है। भागता नहीं है क्या तू? थोड़ा स्पीड में भागेगा तो बढ़िया रहेगा। खाना नहीं है अभी मेरे पास में, बट मतलब इन्वेंट्री के अंदर है। अरे एक चीज़ मेरे पास में पड़ी हुई थी, मैं क्या इसे यूज़ कर सकता हूँ? आइटम यूज़ दिखाएगा नहीं फूकते हुए, रहन दो नहीं बता रहा। तो चुपचाप से जाते ऊपर जाकर सो जाते हैं। ये डाउनटाउन है, नाइट क्लब वगैरह भी जाएंगे जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे ना हमारे पास, जब नाइट क्लब जाएंगे। ए मेरा अपार्टमेंट कौन सा था? यहाँ से अंदर आए, अच्छा यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है ना। चुपचाप से अंदर जाकर सो जाते हैं। गुड, नहीं 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 ऐसे थोड़ी सोना है भाई साहब, अलार्म लगाना है। मेरा जॉब का जो टाइम है वो सुबह 11:15 का है ना, 11 बजे मेरे को जाना है, मतलब 11 बजे जाऊंगा 15 बजे आऊंगा। तो ये रही मेरी क्लॉक, इसके अंदर जो जॉब का टाइम है वो कर देता हूँ मैं 11, सारे दिन अलार्म बच ये ऑन कर दिया। ठीक है, नहीं 11 बजे का नहीं चाहिए मेरे को, मैं 10 बजे का चाहिए, ताकि मैं एक घंटा पहले नहाऊँ वहाँ कुछ तो करूँगा ना, है कि नहीं। फिलहाल मैं ओढ़ लिया ब्लैंकेट, स्लीप अंटिल ट्यूजडे, नहीं 2 AM। ये मेरे को नहीं पता क्या ये इसका क्या सीन है। सो रहा हूँ मैं अभी, सोते जा रहा हूँ, उठ गया। कितने बज रहे भाई टाइम बता फटाफट से, तारे देख रहे हो कितने सारे। मैं क्या बीच रात में उठ गया भाई, सो जाना चुपचाप। हाँ 10 बजे तक सोना है, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब जैसे उठूँगा मैं फ़ोन चेक कर तो फटाफट से। देखो सुबह के 10 बजे रहे और जॉब का टाइम भी अपना 11 बजे से है ना, फटाफट से, मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी जॉब पर जाना पड़ेगा। फ़ोन तरक भाई, तुम लोग आग बंद करो ठीक है, मैं अकेले ही रहता हूँ ऐसे भी घर के अंदर, तो टेंशन नहीं है, दरवाज़ा खुला रख कर अगर टट्टी करेंगे तो पूरे घर में स्मेल होगी, बट हमारी स्मेल वाली टट्टी नहीं होती है। ठीक है, टट्टी कर लिया, हाथ धो लिया, नहा लेता हूँ। आग बंद करो प्लीज़ आग बंद करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसे नहाता हुआ देखे। नाश्ता तो किया नहीं ना, ये नाश्ता है, नाश्ते के अंदर मेरे पास में बस ये एक हंगरी वाला, ये बॉडी स्प्रे है ना, अरे ये बॉडी स्प्रे थोड़ा सा करके लगा लेते हैं। ठीक है, पेंट वगैरह भी क्यों गिराया तूने बॉडी स्प्रे नीचे, पेंट वगैरह भी कर सकते दीवार पर, हम वो नहीं कर रहा, फटाफट से चलो चलते हैं, अब जॉब का टाइम हो गया, वरना पहले ही दिन अपना बॉस ना अपने को बहुत ज़्यादा धो देगा। लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट अभी लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए अपने पास में टाइम है नहीं, लिफ्ट ऊपर आएगी हमें नीचे लेकर जाएगी, फिर काम होगा, बहुत दूर की बात है। वो रही सामने हमारी पिज़्ज़ा शॉप, ए टकले सर को ढकले, जल्दी जल्दी चल भाई, जल्दी जल्दी चल। हाँ एग्जैक्ट, हम अपने शिफ्ट टाइम पर
जा रहे, पहला दिन है ना, तो मैं कैसे थोड़ा सा जल्दी पहुंच रहा हूँ वहां पर। अंदर सीधा एंटर करते, पूल पार्टी भी कर सकते। अरे क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कभी पिज्जा बनाया नहीं भाई। मैं इधर से, मैं स्टाफ हूँ ना इसका, हाँ मैं स्टाफ हूँ। इधर के, इधर का डोर लॉक है, ये स्टाफ का रूम बंद कर देता हूँ, इधर से आके भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रैब अ बॉल ऑफ पिज्ज़ा डो फ्रॉम द कंटेनर एंड प्लेस इट इन द प्रिपरेशन जोन। आफ्टर यू हैव एडेड द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, प्लेस द पिज्ज़ा इन द ओवन फॉर कुकिंग। व्हेन द पिज्ज़ा इज फिनिश्ड कुकिंग, एड इट टू द पिज्ज़ा बॉक्स टू फिनिश इट। ओके, तो सबसे पहले मेरे को पिज्ज़ा चाहिए, ठीक है। पिज्ज़ा के लिए ये मैंने एक डो ले लिया, डो को इधर रख के मेरे को रोल करना है, ठीक है। ये रोल हो गया, अब मेरे को स्पेशल सॉसेस डालने हैं इसके अंदर। स्पेशल सॉस का, स्पेशल सॉस कहाँ गया भाई स्पेशल सॉस? यहाँ तो ये वो लग रहा है ना, स्पेशल सॉस इधर होगा। यस, ये स्पेशल सॉस है, ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद मोज़रेला, मोज़रेला ये शक्ल से दिखना चाहिए, मोज़रेला कहाँ पर है? तो कहाँ गया भाई मोज़रेला? पाइन एप्पल, ये स्टिक अल्पैनो, मोज़रेला किधर है ये? अरे ये मोज़रेला इधर ही है, मैं उधर ढूंढ रहा था। इसके बाद मैं पेपरोनी, पेपरोनी है यहाँ पर नहीं, इधर था पेपरोनी, यस ये रहा पेपरोनी। कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बना रहा हूँ मैं। अब इसको उठाना है और इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, वहाँ से बन के आएगा, अपने को दो तीन घंटे काम करना है। और फिर कस्टमर आए नहीं बट मेरे को पिज़्ज़ा ना, चलो ठीक है। वो जब तक बन रहा है मैं इधर डो रख देता हूँ, ठीक है। इस पर भी स्पेशल सॉस वगैरह है, पता नहीं इधर का पिज़्ज़ा। ये क्रूम क्रूम पिज़्ज़ा रेडी, यार देख के तो मेरा भी मन कर रहा है भाई। यस, 30 एक्सपीरियंस हो गया। अब अपने को कौन सा डिलक्स पिज़्ज़ा बनाना है? स्पेशल सॉस चाहिए, ये ले स्पेशल सॉस, ठीक है। मोज़रेला चाहिए, ये ले मोज़रेला। पेपरोनी चाहिए, ये पेपरोनी। उसके बाद में मशरूम चाहिए, ये मशरूम। देख रहे हो, एक बार देखता हूँ मैं कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती है। ये ऑनियन चाहिए, ये ऑनियन। ग्रीन पेपर ना, तो ये ग्रीन पेपर। और बेकन था, कहा गया बेकन यहाँ पर कहीं, ये बेकन, ये यहाँ पर है। हैमबर्गर, हैमबर्गर क्या होता है ये? हैमबर्गर का यहाँ का, ठीक है। ये पिज्ज़ा रेडी हमारा। वेरी नाइस, हमारी स्पीड देख रहे हो पिज़्ज़ा बनाने की कितनी ज़्यादा हो गई है। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। गया पिज़्ज़ा रेडी, 1 2 3। इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा मेरे को, 46 एक्सपीरियंस मिला। अब क्या चाहिए अपने को? पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाना है, तो पेपरोनी के लिए सबसे पहले एक स्पेशल सॉस, मोज़रेला और ये पेपरोनी, ठीक है। ये पेपरोनी वाला पिज़्ज़ा हो गया हमारा रेडी। दो तीन घंटा काम करेंगे, $7 मिलेंगे अपने को। मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, रियल लाइफ में जैसे मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी अपने को मेहनत करनी है। इसका 30 एक्सपीरियंस मिला। आप कौन सा पिज़्ज़ा है और कुछ करना है? क्लासिक पिज़्ज़ा चाहिए, आई लव डोमिनोज का क्लासिक पिज़्ज़ा। सबसे पहले स्पेशल सॉस, मोज़रेला, पेपरोनी, मशरूम पर दिस इज़ मशरूम, आफ्टर ग्रीन पेपर, ये ग्रीन पेपर एंड क्लासिक पिज़्ज़ा इज रेडी। ये भाई कुछ भी बोलो, कितनी भी तारीफ करो, गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया निकाले विद ग्राफिक्स, विद लॉजिक और विद सारी चीज़ें जो एक बंदे को इंजॉय करने के लिए चाहिए। डेवलपर्स, मेरे को इस गेम की चाहिए जब भी ये रिलीज़ होगी। कितने दिन में करोगे मेरे को नहीं पता, देख भी रहे कि नहीं वो भी नहीं पता, बट मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को वो चाहिए, मेरे को की चाहिए। आज अब तो ये वाला पिज़्ज़ा थोड़ा स्पीड से बनाते हैं। पेपरोनी, फिर है तो मशरूम, ये ऑनियन, फिर ग्रीन पेपर, कितनी ज़्यादा बेकन, बेकन बेकन बेकन, ये बेकन, और फिर ये हैमबर्गर। ये आज डे वन है तो इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ मैं। सोचो हमको काम करते हैं यहाँ पर एक दो महीने हो जाएंगे, हम जब पैसा अच्छा कमाने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कितना गोली ऐसे ट्वीट 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 करके मैं काम करके ना पैसा लेके यहाँ से वट जाऊँगा। 46 एक्सपीरियंस मिला। नाउ व्हाट? अगेन पेपरोनी पिज़्ज़ा, चलो ठीक है। ये पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना कुछ भी सामान नहीं लगता, मतलब सस्ते में काम हो जाता है। सिर्फ मोज़रेला लगता है, स्पेशल सॉस लगता है। स्पेशल सॉस के अंदर है क्या? बट इधर चीज़, पेपरोनी $13 का क्लासिक, $15 का डीलक्स, मीट, हवाई, कॉर्न्स, कितने सारे पिज़्ज़ा है। कस्टमर भी अगर आते ना अंदर ऑर्डर करने के लिए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। एक और पेपरोनी बनाना है मेरे को,
नहीं डिलक्स बनाना है इस बार। ये है डिलक्स पिज्ज़ा, ये है स्पेशल सॉस, ये मोज़रेला सॉस, ये पेपरोनी, ये मशरूम, ये ऑनियन, फिर ये ग्रीन पेपर, कितना सारा सामान लग रहा है, ये बेकन, और ये लास्ट में हैमबर्गर। ठीक है, हैमबर्गर सच में हैमबर्गर ये, यस हैमबर्गर का मीट वगैरह होगा वो। और मेरा एक्सपीरियंस ना अब लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ जा रहा है बहुत जल्द। 6 पिज़्ज़ा बनाने थे, 5 तो मैंने बना दिया हूँ। ठीक है, नहीं 5 बनाने थे, मैंने 7 बना दिया हूँ। वेरी नाइस। अरे यार अभी कौन सा पिज़्ज़ा था, इसका नाम मैंने पढ़ा नहीं हूँ। कुछ भी बनाओ, मेरे को स्पेशल सॉस और मोज़रेला ना ये बेसिक नीड है। हैम कहाँ है, हैम 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 हैम, इसको हैम लगेगा भाई, हैम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये रहा हैम वाला पिज़्ज़ा, पहली बार बन रहा है हैम। मैं अभी इतने पिज़्ज़ा बनाया, अब पाइनएप्पल चाहिए, पेपरोनी नहीं चाहिए। ठीक है, पाइनएप्पल कहा गया, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, ये रहा पाइनएप्पल। ए पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल कौन खाता है, ये कौन सी, मतलब अजीब नहीं लग रहा पाइनएप्पल के ऊपर पिज़्ज़ा। 1 घंटा बचा है मेरी शिफ्ट का बस अभी। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे को और ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना है, ताकि मैं और अच्छे से, मतलब मेरे को ज़्यादा पिज़्ज़ा मिले। हवाई पिज़्ज़ा था ये, हवाई पिज़्ज़ा, अगेन पेपरोनी पिज़्ज़ा। इधर ना मेरे को ऐसा लग रहा है जितनी ज़्यादा स्पीड से हम काम करेंगे, जितने ज़्यादा, मेरे को सिर्फ 5 पिज़्ज़ा बनाने थे, बट मैंने ना 8 पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया, तो इसके में मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। डायरेक्ट इसमें रख दो तो हो जाएगा भाई, माइनस में रेटिंग चली जाएगी। काम अच्छा किया तो अपने को ज़्यादा पैसा मिलेगा, काम ख़राब किया तो पैसा कटेगा भी और नुकसान होगा अलग, और टाइम अलग से जाएगा। कि तब मेरे को ना बहुत मज़ा आ रहा है पिज़्ज़ा बना बना कर देने, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे सेटिस्फेक्शन वाला फील मिल रहा है। अगेन क्लासिक पिज़्ज़ा जिसके अंदर बहुत सारा सॉस लगता है। ये वाला दूसरा सॉस कौन सा है, बारबेक्यू सॉस, ये मोज़रेला और ये चेडर। ठीक है, ये मोज़रेला आ गया, यहाँ पर पेपरोनी, ये मशरूम, ग्रीन पेपर। ठीक है, ये ग्रीन पेपर। एक टाइम में 2 पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, मतलब ये बन रहा है तब तक मैं इसका बेस इधर लगा दूँ। ठीक है, इसको स्पेशल सॉस लगेगा या फिर वही, नहीं इस बेस रख देता हूँ खाली बस इधर, वरना नुकसान ना हो जाए अपना। ये देखो क्लासिक गया, अब ये वाली डिश ना अब चेंज हो जाएगी दोबारा से पेपरोनी। यार ये तो अंदाजे पर ही बना लेता मैं, मैंने गलती से ना ये चेडर उठा लिया था, शेडर पता नहीं क्या है। और मैंने कितने 10-5 की जगह 10 पिज़्ज़ा सर्व कर दिया, और मेरा बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो गया होगा मेरे से, सच्ची बता रहा हूँ। एनर्जी हमारी फुल है, हमारे खाने का मीटर डाउन है, शावर भी चलो ठीक है, ड्रिंक का मीटर भी ना मेरा पूरा का पूरा डाउन है, तो मेरे को वो भी अभी कुछ ड्रिंक नहीं है मेरे पास में इन्वेंट्री के अंदर। कुछ अगर होती ड्रिंक तो, यार ड्रिंक नहीं है मेरे पास, ड्रिंक अगर होती ना तो बढ़िया काम हो जाता। नाउ व्हाट, मीट पिज़्ज़ा बनाना है, ये थोड़ा अलग टाइप का पिज़्ज़ा है। और क्या मेरा जॉब हो गई ख़त्म, आई गेस जॉब हो गई ख़त्म, कुछ ही टाइम बचा हुआ था। मेरे पास में $102 हो गए, $21 हमारे पास में थे, जिसमें से $7 पर आर की अपने को जॉब मिल रही थी, और हमने सीधा पैसा कमा लिया $102। अब मैं ना अपने लिए कुछ खाने के लिए ख़रीद लेता हूँ, यार मेरे पास में कुछ खाने के लिए है नहीं। फ़ोन के अंदर चेक कर तो कोई और जॉब तो नहीं अवेलेबल है, एजेंडा के अंदर चेक करते हैं, माई न्यू होम ये तो हो गया, अप्लाई फॉर अ जॉब ये भी हो गया, सिटी पिज़्ज़ा ये भी हो गया, मतलब जॉब चेक करते हैं कुछ है, कुरियर वाली जॉब नहीं यार, कुरियर वाली नहीं है, ये पिज़्ज़ा की जॉब है, बट ये पिज़्ज़ा की जॉब ना मेरे को शाम, अरे ये पिज़्ज़ा की नहीं, पिज़्ज़ा की डबल से क्यों जाऊंगा मैं पिज़्ज़ा वाली जॉब करने के लिए, क्योंकि जस्ट अभी करके आए और ये आधे घंटे में फिर जॉब स्टार्ट हो जाएगी, हम ना जॉब नहीं करते। अभी मैं यहाँ से ना दूसरी जगह जाता हूँ, ठीक है, कोई शॉप वगैरह देखते हैं। मैप ओपन करके नहीं देख सकता, नहीं मैप ओपन नहीं कर सकते, ये ऑस्टिन की वो है ना शॉप या बार बोलो, इसके पास, अरे नहीं ये क्या है, ऑस्टिन, ऑस्टिन भाई कैसे हो, ग्लैड टू सी यू हैव गॉट सम वर्क फॉर यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड मे बी, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, हाउ डिड यू गेट माय फोन नंबर एनीवे, श्योर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सीधा काम बोल बता मेरे को ना, ये 2 नंबर का काम लग रहा है भाई। श्योर, ऑल राइट लिसन अप, वन ऑफ आवर क्लाइंट गॉट रिप्ड ऑफ बैड बाय अ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और सर डिस्ट्रीब्यूशन इज द टारगेट, द टारगेट, व्हाट डू यू वांट मी टू डू टू देम, नो वायलेंस, आवर क्लाइंट रिक्वेस्टेड सम सेंसिटिव डाटा फ्रॉम द करप्ट ओनर, फाइंड अ वे इनटू द वेयरहाउस एंड
गेट टू द ऑफिस कंप्यूटर। अरे दो नंबर के भी काम कर सकते हैं जैसे हम रियल लाइफ में करते, मतलब लोग करते, हम नहीं करते, लोग करते, ठीक है। द ऑफर इज ऑन द टेबल, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड नो प्रॉब्लम, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम बैक हियर फॉर योर पेमेंट व्हेन द जॉब इज डन। फेयर इनफ, एनीथिंग एल्स आई शुड नो, योर बेस्ट बेट इज टू ब्रेक इन टू द रियर लोडिंग एंट्रेंस, द लोकल पॉन शॉप सेलर लॉक पिक्स फॉर चीप। मेरे को पॉन शॉप की दुकान पर जाना है, मतलब पॉन शॉप जाना है, वहाँ से लॉक पिक खरीदना है, और मेरे को एक कहीं तो जाना है, कुछ तो करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह डाटा वाटा उठा के लेके आना है। ओके, ब्रेक इन टू द रेयर एंट्रेंस ऑफ द वेयर हाउस एंड डाउनलोड द डाटा फ्रॉम द मैनेजर्स कंप्यूटर, गॉट इट। ओके दैट्स राइट, मेक श्योर टू कम बैक एंड सी व्हेन द जॉब इज डन। ठीक है ऑस्टिन भाई, आ तो क्यों बैठ टकले, सर नहीं ढक लिया तूने अभी तक अपना। हेलो, क्या मुझे इस काम में महिला की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, चुपचाप से निकल जाते वरना धो देगी अपने को पकड़ के। हो अब कहाँ जाना है अपने को इलीगल काम के लिए? तो हाँ तो बोल दिया हमने, कौन से वेयर हाउस में जाना है और क्या करना है मेरे को नहीं पता। ये पूरे सारे रेंटल वाली शॉप है, हाउस हाउसर डिस्ट्रीब्यूटर, यस ये वो, ये हाउसर डिस्ट्रीब्यूटर। चलो ठीक है, यहाँ पर अंदर घुसने के लिए मेरे को रास्ता चाहिए होगा, और शटर खुलेगा नहीं, पहले ही दिन हम इल्लीगल काम करने के लिए आ रहे हैं। हाँ यहाँ कोई नहीं लग रहा मेरे को, डोर लॉक है, लॉक पिक रिक्वायर्ड, लॉक पिक के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, लॉक पिक पॉन शॉप से ख़रीदनी पड़ेगी, पॉन शॉप कहाँ पर है बट मेरे को वो नहीं पता, वो ढूँढनी पड़ेगी। क्या ये सामने कहीं पर? नहीं, ये तो हमारा अपार्टमेंट का एरिया है, यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रही है कोई ऐसी दुकान, वो कॉर्नर में एक है, मेगा पॉन, मेगा पॉन ये है, देखो मेरे को लगा रेंटल के लिए है ये, इसके पास में तो मिल ही जाएगा एक लॉक पिक। अच्छा हुआ हमने पहले ईमानदारी से काम किया ताकि लॉक पिक खरीदने के अपने पास पैसे आ जाए। इसके पास तो बड़ा ढेर सारा सामान है, क्या हालचाल मेरे को भाई। अरे सेकंड में कपड़े भी खरीद सकते हैं, फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, हार्डवेयर भी खरीद सकते हैं। हार्डवेयर में ये क्या है? अच्छा वुड फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ है, ये रहा मिसलेनियस थिंग्स है ये, तो अभी मेरे को ये खरीदना है, ठीक है परचेस। $2.50 का दिया मेरे को ये, क्या मेरी इन्वेंट्री के अंदर आ गया ये? यस आ गया, थैंक यू सो मच। आ तो मैं ATM से पैसा भी निकाल सकते हैं मगर पैसे की कमी होगी। रात का वक्त हो चुका है, अभी सही मौका है अंदर घुसने का, ये बंदा दौड़ता ना तो सही होता। मेरे को चाहिए इधर लॉक पिक। अच्छा खराब हो गया क्या? लॉक पिक रिक्वायर्ड, अरे यार 2-3 लॉक पिक लेकर आना पड़ेगा। लाइट चालू नहीं होगी क्या? मेरे पास टॉर्च वगैरह नहीं है, 2-3 लेकर आना पड़ेगा, मैंने $2.50 ऐसे ही वेस्ट कर दिए। चलो ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, ये बाजू में तो शॉप है, यहाँ से लॉक पिक लेंगे, बाजू की दुकान में डकैती करने पहुँच जाएंगे। अब वो गिर गई मेरे से, अब इसको बोलूँगा मैं क्या टूट गई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। 1, 2, 3 ठीक है, 3 आइटम आ गए कि मेरे पास। हाँ चलो अब टेंशन नहीं है, फोकस रख के काम करना है। हमारे से 2 नंबर के काम भी अच्छे से नहीं होते भाई, अच्छे काम तो छोड़ दो, 2 नंबर के भी काम के लायक नहीं है हम। मेरे पास में अभी सिर्फ $92 बचे हैं। 1, 2, 3 अबे पूरा लॉक खोल दिया था मैंने, पूरा लॉक खोल दिया था। इसमें सच में लॉक पिकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई। अरे भाई एक चोरी नहीं हो रही मुझसे, पूरा फोकस है। वापस जा रहा हूँ लॉक पिक लाने के लिए, मेरा सारा प्रॉफिट तो लॉक पिक के अंदर ही चला जा रहा है एक उसमें खुल जाता है वो, आओ खुल ही रहा, फोकस हट रहा है भाई। मैंने फिर से पूरी की पूरी तहली गिरा दी लॉक पिक की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉक पिक दे दे, ठीक है अब सिर्फ $77 पड़े हुए हैं मेरे, एक चोरी नहीं हो रही मुझसे। हम मेहनत से ज़्यादा ना 2 नंबर के काम प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पैसा रिस्क होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट जा रही है अभी हमारी, पता नहीं प्रॉफिट कितने का होगा बट इन्वेस्टमेंट जा रही है ना। देखो लॉक पिक के अंदर कितना पैसा जा रहा है, दो और, ठीक है 2 और है, फोकस रखना है।
खोल दिया भाई मैंने अंदर। ओ कोई देख ना ले भाई मेरे को, हैं कोई मेरे को देख ना ले। इधर क्या होगा, फोकलिफ्ट कैन बी यूज टू मूव पैलेट कार्गो, यूज अप टू रेज अ फोकलिफ्ट कार्गो एंड डाउन टू लोअर द फोकलिफ्ट। ठीक है, अभी मेरे को तो कंप्यूटर में से डाटा निकालना है, ये मेरे को मेहनत का काम देने के लिए क्या बोल रहा है। ये वाले डोर में, दिस डोर इज लॉक। कुछ और, ये गोल्डन पार्सल के अंदर क्या है नहीं पता, इधर से भी नहीं जा सकता। उधर पीछे साइड में जाकर देखते हैं ना, है क्या उधर, जा ही नहीं सकते क्या। अच्छा हाँ, उधर जाने के लिए मेरे को पार्सल हटाना पड़ेगा ना। बैठ गया भाई, बैठ गए हम इसके ऊपर। ये उठता कैसा है फॉकलिफ्ट भाई, तू उठता कैसा है? वो तो मूव ही नहीं हो रहा, दूसरे को देखता हूँ इससे कुछ हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा, ये भी मूव नहीं हो रहा भाई। क्या यहाँ पर मेरे को कुछ करना, एक सेकेंड बाहर निकल, इधर भी तो एक दरवाज़ा है, इसके अंदर भी तो मैं जा, क्या इसी दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ। वाह भाई, अरे क्या पागल हूँ भाई मैं, इसी दरवाजे से अंदर आया, उसी दरवाजे से बाहर भी आ गया। दोबारा मेरे को ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है अपने को। भाई मैंने 3-4 लॉक पिक खराब कर दिए, मेरा फोकस हट गया यार। अरे पूरे शेट, आखिरी के 2 लॉक पिक है, खत्म हो गए शायद से, खत्म हो गए लॉक पिक पूरे 6 मैंने, एक काम नहीं हो रहा मुझसे। A few moments later. मेरा यहाँ पर 3rd राउंड है ये लॉकपिक खरीदने का। मैंने सारे पैसे, मेरे पास $19 बचे हैं, मैंने सारे पैसे सिर्फ लॉकपिक के अंदर लगा दिया हूँ। पूरे पैसे जो $100 मैंने मेहनत से कमाया था ना, $20 तो मेरे ही थे, उसमें से भी $19 हो गए, $21 मेरे थे, सारे के सारे पैसे। अरे यार बंदा भागता है मेरा, मैं खामा का पैदल चल रहा था, देखो कितनी तेज़ भागता है। मेरे सारे पैसे लॉकपिक के अंदर चले गए, ये बहन का भाई खुल ही नहीं रहा। पूरा फोकस कर रहा हूँ, डेवलपर प्लीज थोड़ा सा इसे इजी कर देना भाई। वेरी नाइस, ओके मेरे को लोगों के वापस से लॉकपिक खराब हो गया भाई। इतना सा लॉकपिक के लिए मेरे को इतना ज़्यादा देर लग गई, मेरे को करना क्या है यहाँ पर, मेरे को बताएगा कोई, ये उठ नहीं रहा माल। मेरे को ना बस एक चीज़ पे फोकस करना है, वहाँ अंदर जाने के लिए मेरे को ये बॉक्स को हटाना है, जिसमें से ये एक रेड को ही हटाऊंगा ना तो अपना काम हो जाना तो चाहिए। रुको जाओ, वेरी नाइस, सीधा सीधा जाना चाहिए, सीधा सीधा, यस। अब उठ जाना, काय से उठेगा तू, अभी मैंने चेक किया पेज अप का बटन तो बता रहे। अरे मेरा गेमिंग कीबोर्ड है ना, उसमें मेरे को रहन दो, मेरे जैसा बॉट गेमर तुमको पूरे इंडिया में नहीं देखने के लिए मिलेगा, पक्की बात है, पक्की बात है भाई। चलो अब थोड़ा सा ना फोकस करते, ओके अपने को इस साइड जाना है, यहाँ पर से अपने को डेटा लेना है। अब मेरे को क्या, वाह मेरे को डेटा लेने के लिए भी पूरा एक पैनल बनाना पड़ेगा, यस मेरे को पूरा पैनल बनाना पड़ेगा भाई। डेटा भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला अपने को, डेटा भी इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलेगा, देख रहे हो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इधर से नहीं होगा ये, इसको इधर से कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अबे ये कितनी सारी पजल है। एक्सेस डिनाइड, शिट, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा मेरे को। ये इधर से है, ठीक है, इसको ये कनेक्ट हुआ, इसको ये कनेक्ट हुआ, इसको ये कनेक्ट हुआ, फिर इसको ये कनेक्ट हुआ, ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ऐसे कनेक्ट हुआ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे। ज़्यादा टाइम नहीं है, चल जल्दी से कर ले नेट फ्लिक, कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले भाई। Thank you.
Yes. Granted. Yes, 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 yes. सच में भाई सिमुलेटर गेम में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा भाई. अनअवेलेबल अनअवेलेबल. अच्छा यस फाइल डाउनलोड फाइल डाउनलोडेड. ठीक है ना व्हाट. डिसेबल लाइट्स इनेबल लाइट्स डिसेबल लाइट्स. हो गया ना डाउनलोड हो गया ना फाइल. मैं मेरे क्या फ़ोन के अंदर आ जाएगा डेटा. वो पता नहीं फ़ोन के अंदर आएगा इन्वेंट्री के अंदर आएगा जहाँ पर भी डेटा आएगा. और कुछ ऐसे यहाँ पर है स्टोरेज के अंदर. चलो सारा सामान ले लो. चोरी भी कर लेते ना. चोरी का उसने बोला नहीं अपने को करने के लिए मगर ये अपना इंसेंटिव समझ लो. वो तो थोड़े बहुत पैसे देगा. अब इसने ना ज़्यादा पैसे देने चाहिए अपने को तब जाकर मजा आएगा. प्रिंटिंग मशीन ये डिब्बे विब्बे चेक कर ले तो कुछ कर ले सकते हैं. नहीं ये सब की लूट नहीं है. टर्मिनल का तो हो गया. टर्मिनल हो गया ना. कितनी बार खोलेगा अब टर्मिनल. बाकी और इधर कुछ जाकर मैं कर सकता हूँ. फायर एक्सटिंग्विशर है ये सारा सामान नहीं है ना. चुपचाप से निकलते हैं यहाँ पर किसी और के आने से पहले. टॉर्च ऑन कर लेता हूँ मैं. मैंने ना यहाँ की ना लाइट बंद कर दिया था ताकि अगर कोई आए तो हम छुप कर कहीं से निकल ले बाहर. ये तो हमारा काम हो गया जुए वाला. अब अपने को जाना है अपने दोस्त के पास में जिसने भी अपने को ये ब्लैक मार्केट का काम करने के लिए मतलब दो नंबर का काम. रात भर लग गई मेरे को वो लॉक खोलने और वो लॉक पिक से वो पहला गेट खोलने के लिए और अंदर जाके चोरी करने के लिए. ये बहुत ज़्यादा मेहनत के काम होते हैं सच में भी. मेरे को लगा था ऐसे ईजी पीजी कर लूँगा बट ऐसा नहीं है. इसका बोर्ड नहीं लगा हुआ ऑस्टिन भाई का. अंदर जाते जाकर ऑस्टिन भाई नाइस वर्क. यस योर पेमेंट. कम सी मी अगेन व्हेन यू आर रेडी फॉर अनदर जॉब. ओके $269 मतलब वर्थ था इन्वेस्टमेंट जाने मन. वहां पर खर्च करना मतलब लॉक पिक के ऊपर ना $100 मतलब $70-$80 खर्च करना ना वर्थ था. मेहनत लगी है बट सीधा $269 बना लिया भाई. कहा जा रही है बॉडीगार्ड. चलो खैर कोई बात नहीं. अभी मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट. खिड़की में से थोड़े बहुत तारे देखूंगा और सो जाऊंगा. बहुत ज्यादा मेहनत कर ली आज के दिन हमने इसीलिए आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम आज के एपिसोड को बस इतने ही रखते हैं. थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. नए आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ. और ये गेम कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. मैं इस गेम की सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली ना बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गेम. जैसे रियल लाइफ में सारी चीज़ें होती है ना मतलब हर एक चीज़ वैसी ही है. अच्छे काम भी कर सकते हैं हम बुरे काम भी कर सकते हैं. टोटली हम पर डिपेंड करता है. और हाँ भाई अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो. सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक ज़रूर करना. मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में. जब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय सी यू.